नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। उड़ता पंजा फिल्म की तर्ज पर अब उड़ने लगा है गुना भी। स्मैक का मकरजाल इतना फैलता जा रहा है कि खुद पुलिस भी इससे त्रस्त हो गई है, पर सूचना तंत्र के अभाव में पकड़ से बाहर हैं आज भी स्मैक के बड़े सौदागर। सूत्रों की माने तो राजस्थान से आता है ये मौत का सामान। जिले में हफ्ते भर में दो की मौत हो चुकी है। प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। समझ से परे है कि ऐसा क्या है कि उक्त मौत के सौदागर हमेशा ही पुलिस से बच निकलते हैं। बीनागंज चौकी वार्ड के बाड़द्वारा में युवक की लाश नाली किनारे मिली थी। पास ही इंजेक्शन और एक दवा की शीशी भी मिली थी, जिसे देखकर युवक की मौत कैसे हुई इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। युवक की पहचान महेश शर्मा निवासी कुमराज के रूप में हो गई है। बताया जाता है कि युवक स्मैक का आदि था और इसी के चलते शायद इसकी मौत हुई है। कब जाकर थमेगा यह मौत का खेल, समझ से परे है। कर्ज से परेशान किसान ने लगाया मौत को गले। करीब 8 लाख रुपए का था कर्ज किसान पर। बता दें कि बमोरी थाना अंतर्गत बड़ी कोहावत गांव में रहने वाले सुमेर सिंह धाकड़ ने आज फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गांव के सरपंच का कहना है कि किसान के ऊपर लगभग 8 लाख रुपए से अधिक का कर्ज था, जिसकी वजह से वह रात दिन परेशान रहता था। पिछले साल बेची अपने गन्ने की फसल का पैसा भी किसान को अभी तक कारखाने से नहीं मिल पाया। किसान के ऊपर बैंक फाइनेंस कंपनी और साहूकारों का भी कर्ज था, जिसके चलते किसान मायूस हो गया। सुमेर सिंह ने अपने खेत में सोयाबीन और उड़द की फसल भी बोई थी, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई। रोज के कई खर्चे और बढ़ते कर्ज की वजह से किसान ने मौत को गले लगा लिया। प्रदेश शासन की कई सारी योजनाओं के चलने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि कर्ज का दंश आखिर कितने किसानों को निगलेगा। वहीं सरकारी योजनाओं की बात करें तो योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो सक्षम हैं और पैसा दे पाते हैं। गरीब किसान तो और गरीब होता चला जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे सरकार ऐसे किसानों के प्रति कब जागरूक होगी। किसान के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की है, शादी करता बमोरी से धुआ नहीं है, उससे परेशान हो गए। इसमें आत्महत्या, टीवी वाले, लाइट वाले सब परेशान कर रहे हैं। ट्रैक्टर का लोन था बकाया, ट्रैक्टर वाले भी कर्जा मांग रहे हैं, किसान कार्ड वाले कर्जा मांग रहे हैं, उससे परेशान होके नहीं उसने आत्महत्या करी है। कर्जा 7-8 लाख के आस पास है इसके, लोगों से भी ले रखा है, मतलब तो सभी तरह के कर्जा थे उसको, 7-8 लाख कर्जा है। उड़दी की और सोयाबीन फसल थी वो तो हुई नहीं है, पूरी खत्म है। अभी उसने ट्यूबवेल वगैरह लगवाया था, वो भी सूखा निकल गया, पानी है नहीं है बोरों में। तो काम यही देखता था, घर का काम इसके पता ही खत्म हुए थे बहुत पहले। कितने भाई थे? दो भाई है, एक इससे छोटा है, ये बड़ा भाई था। पूरा देख रहे किसी के हाथ में था पूरा कर्ज, पानी जो भी गाय इसी के। थाना क्षेत्र कौन सा लगता? बमोरी थाने से। फांसी लगाई उसने, हमको सुमेरे मालूम पड़ा है। क्या परेशानी, किस कारण से फांसी लगाई? कर्जा था उसके पास, और सोविन मोविन कुछ भय नहीं। आप कौन? कितना कर्जा था करीब? कर्जा जो है 5-7-8-10 लाख रुपए के करीबन कर्जा है। क्या नाम कर्जा है वो? क्या नाम था इनका? सुमीर सिंह। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन स्थापना दिवस एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती प्रगति मानव सेवा संस्थान कोटीबाग में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राधोगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तमपुरी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फरीदुद्दीन दौराना, पूरन चंद्र टेलर इंदौरी, कन्हैया लाल पूर्व पार्षद, विधायक प्रतिनिधि प्रसाद अग्रवाल एवं विशेष अतिथि जिला युवा समन्वयक NS जयंत ने की। कार्यक्रम में खान मंसूरी, गौरीशंकर ओझा, प्रदीप सैनी, बंकेश धाकड़ गुणा, NYB सूरज सेन, डालचंद अहिरवार, IT फैकल्टी अजब सिंह धाकड़, नरेंद्र धाकड़ आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन सतीश सैनी ने किया एवं साथ ही सभी प्रतिभागी स्टाफ सहयोगी उपस्थित रहे। जिनको देश में रहने वाले अनेक धर्म, अनेक जातियां, सब उनको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। राम का, महात्मा गांधी जिनको बापू की उपाधि है, सब उनको बापू।
परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका हम भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। हम अभी आप अभी युवा आप अभी अपने भविष्य के बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो आप कभी सोचेंगे। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त देश की बहुत खराब हालत थी। देश को उस समय सोवियत का निर्माण भी नहीं होता था। देश चार ओर से खतरों से घिरा हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ ब्रिटेन भी हमको बिल्कुल खाली करके छोड़ के गया था। उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू के मकान जो मकान आनंद भवन, उसके 14 गेट थे, 14 गेट, और उनके प्रत्येक गेट पर उस समय गाड़ियाँ खड़ी होती थी। यानी कि जिस गेट से गए ना, गेट से गाड़ियाँ, जिनके कपड़े भी धुले जाते थे, जिनका खाना फॉरन से आता था, जिनके पूरे सारे सामान पूरे फॉरन थे, जब वो इंग्लैंड से पढ़ के आए, मंच आपको उपलब्ध कराता है, भाषण गति आपको चैलेंज से शो करने का मौका। जादूगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आरोन नगर में बाल दिवस के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। हिंदूपत स्कूल आरोन में सम्मिलित हुए क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में, क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह, मंडी अध्यक्ष मेहरवान सिंह धाकड़, अंकित रघुवंशी, छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक द्वारा सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आरोन कॉलेज क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा छात्र चुनाव में निर्वाचित घोषित हुए सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया व छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। माइकल साहब और मैम के द्वारा जो यहाँ पर सेंट जॉर्जेस कॉन्वेंट स्कूल चलता है, मैं भी जब बचपन में मैं पढ़ाई करता था, उस समय मैंने भी दिल्ली में एक सेंट कलंबस स्कूल था जो कॉन्वेंट स्कूल था, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की थी बहुत सालों के लिए। और ध्यान देंगे और हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जब से उन्होंने हमारे देश में ऐसी जनहित की नीतियां बनाई थी, तब से ही हम चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस हम हर साल 14 नवंबर को मनाते हैं। और ये चयन हुआ है, उन कलाकारों को भी मैं मंच पर बुलाऊंगा, वो आए और वो पुरस्कार। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ठेका एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन गुना ने आज जिलाधीश राजेश जैन को दिया ज्ञापन। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि एनएफएल के पैकिंग प्लांट में 13 मजदूरों को ठेकेदार ने बिना कारण बताए ही हटा दिया, जिससे कि वर्तमान में लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है। सारे कर्मचारी 20 से 30 वर्षों से नेशनल फर्टिलाइजर में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरह से उन्हें सेवा से हटा देना सही नहीं है। ऐसे में इन लोगों पर अपने परिवार का भरण पोषण करने की समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने 7 दिन की समयावधि दी है, जिसमें इनसे होगा। वहीं मध्य प्रदेश ठेका एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि इन मजदूरों के साथ न्याय नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। नल फर्टिलाइजर का मामला है, वहाँ एक ठेकेदार है जो 30 सालों से वहाँ ठेका पे कर्मचारियों को रखता है और वहाँ पर 30 साल से उनको विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट भुगतान किए, किसी पूर्व सूचना के उनको ड्यूटी से अलग कर दिया है। ये लोग जब लेबर ऑफिसर भोपाल में गए वहाँ भी ये जीत गए, लेबर डिप्टी चीफ कमिश्नर जबलपुर गए वहाँ भी जीत गए, लेकिन वो आदेशों को मान नहीं रहे, पूरी तरह तानाशाही की तरह वो काम ले रहे हैं। ठेकेदार और वहाँ का जो प्रबंधन है एनएफएल का, दोनों मिले हुए हैं और इसलिए 14 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को इस के नॉलेज में लाए हैं और कलेक्टर साहब ने 7 दिन की बोला है कि 7 दिन के अंदर इसका निराकरण कराएंगे। सीएम लाइन में भी उन्होंने ये आवेदन भेजा है, तो हम लोग 7 दिन तक इंतजार करेंगे, इसके बाद हम आंदोलन करेंगे। कांवर बमोरी धर्मपुरा से ग्रामीण पहुंचे जन सुनवाई में, यहां उन्होंने बताया कि उनके गांव में पानी की बहुत समस्या है और उन्हें पानी लेने के लिए 5 से 8 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। वहीं ग्राम गदला उजारी के नियमन खेड़ी गांव में करीब 35 शहरी परिवार रहते हैं, जिन्हें पानी लाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर तक दूर जाना होता है।
इन ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी कई बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं पर आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी मंशा केवल अपने गांव में हैंडपंप लगवाने की थी जो कि पूरी नहीं की जा रही है। मजबूरन उनको लंबी दूरी तक पानी लेने जाना पड़ता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इनकी गुहार कब तक सुनता है। हमारे गांव में जी समस्या है कि पानी की परेशानी है, बिल्कुल पानी नहीं है। खाड़न में से भर भर का पानी पी रहे तो रात में कम से कम 5 किलोमीटर दूर से पानी। अच्छा, हाँ। इससे पहले शिकायत की थी आपने? कर दी, कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी। हम 2-4 बार और भी कर गए शिकायत, कोई सुनवाई तो ट्यूब बेल हीट पम्प की दिशाना कर ही रहे, हमें पीने की परेशानी है। छात्र संघ चुनाव जीतने वाले छात्रों ने आज शहर के मुख्य मार्गों से निकाली मोटरसाइकिल रैली। इस मोटरसाइकिल रैली में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। वहीं पूरी रैली के दौरान छात्र संघ जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। भाई अंकित रघुवंशी हिलोतिया वाले का भी जन्मदिन है, हमारी पूरी कमेटी की तरफ से इनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नगरपालिका द्वारा बनाया गया शॉपिंग मॉल जिसकी लागत करीब 1.25 करोड़ रुपए है, आम जनता के लिए आज खोल दिया गया। वहीं दुकानों की नीलामी भी आज सार्वजनिक हुई। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने बताया कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन छोटी कन्याओं द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यदि इसकी नीलामी नगरपालिका की नियमावली के अनुसार हुई तो इन दुकानों का नामांतरण किया जाएगा, अन्यथा दोबारा से नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस शॉपिंग मॉल से जो भी आय नगरपालिका को प्राप्त होगी उसमें रेलवे अंडरब्रिज से लेकर बाईपास रोड तक का चौड़ीकरण में ही खर्च किया जाएगा। पालिका परिषद गुना द्वारा इंदौर नाका स्थित नव निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की घोष विक्रय आज यहाँ प्रक्रिया की जा रही है। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कृपया कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं, यहाँ घोष प्रक्रिया शुरू की नीलामी घोष विक्रय किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित राशि जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, सुंदर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आज हमारे नेता संगठन के मुखिया राधेश्याम पारिक जी ने उसका स्वागत किया है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सिंह यादव दोनों नेताओं ने मिलकर बच्चियों से फीता काटकर इस मार्केट का स्वागत किया है। नगरपालिका परिषद द्वारा आज होली लगाकर आज दुकानें सेल की जा रही हैं, किराए से दी जा रही हैं और अगर ठीक से होली आएगी, अगर नगरपालिका के नियम अनुसार हमको ठीक राशि मिलेगी तो हम दुकानें नीलाम कर रहे हैं और अगर ठीक से राशि नहीं आएगी तो हम इसको पुनः होली लगाएंगे
एक सुंदर मार्केट नगरपालिका परिषद ने बनाया है और मैं तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, जो उनकी मंशा है उसको हम नीचे तक ले जा रहे हैं। हमने बड़ी बड़ी दुकानें बनाई है, शोरूम के लिए व्यापारियों को लाभ होगा, हमारे गुना के व्यापारी आकर शोरूम खोलें। आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आए और बोली लगाएं, ओपन बोली है। हमने 5 पेपरों में विज्ञप्ति दी है, सब जगह हमने सूचना की है, अनाउंसमेंट किया है, वीडियोग्राफिंग करा रहे हैं, क्लर्क साहब को हमने पत्र दिया है कि आप अपने एक प्रतिनिधि भेजें और उसके अनुसार हम ईमानदारी से इसकी बोली लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाएं, नगर को सुंदर बनाने की। हमारे वरिष्ठ नेताओं से, जिलाध्यक्ष से बात करके इस मार्केट का नामकरण भी परिषद में करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने याद किया प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष में आज सभी कांग्रेसी जन नेहरू पार्क पहुंचे और वहां स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पहार समर्पित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती पर समस्त कांग्रेस जन आज नेहरू जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए। देश के आम नागरिक ही नहीं बल्कि विश्व के आम नागरिक के साथ ही गुना के हम सब नागरिकों का भी ये मानना है कि आधुनिक भारत के निर्माण में जो बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, वो बुनियाद पर ही यदि देश आगे बढ़ता रहता और उनके बनाए हुए प्रभाव का और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलता रहता, तो शायद देश आज जो बीते 3 वर्षों में जिसकी प्रगति हम लोगों की निगाह में कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, वो कुछ और भी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ सकती थी और विश्व में हम और अधिक सम्मान के साथ रह सकते थे। हम सब आज के समय में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि जिस ऊंचाई पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को उठाया था, पहुँचाया था, बढ़ाया था, आज के सत्ता से जुड़े केंद्र भी उस दिशा में कम से कम अपना दुराभाव छोड़ करके उस दिशा में आगे बढ़ना आरंभ करें। बाल दिवस के मौके पर विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का हुआ आयोजन। सोनाली पब्लिक स्कूल में आज बाल मेले एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में के मिश्रा, रजिस्ट्रार एसके सक्सेना, डायरेक्टर आकाशवाणी थे, घनश्याम श्रीवास्तव, एसके सक्सेना, विकास बंसल, हरीश सैनी, सुरेश चंद्र सक्सेना आदि ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विज्ञान के 110 प्रोजेक्टों का प्रदर्शन किया। वहीं 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस मेले में अपनी सहभागिता दिखाई एवं बड़ी संख्या में लोग सोनाली स्कूल पहुँचे। मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस स्कूल ने साइंस एग्जीबिशन लगाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा ध्यान था कि साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो और लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। अब मुझे आज मैं सपना सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर साइंस, जितनी भी आज इंडिया में साइंस टेक्नोलॉजी है उसका बेस उन्होंने तैयार किया था। और आज नन्हे वैज्ञानिकों को देख के लग रहा है कि सपना सच हो रहा है।
म्याना में आयोजित हुआ खंड स्तरीय खेल कार्यक्रम। नेहरू युवा केंद्र एवं मुस्कान महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया खंड स्तरीय खेल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय म्याना म्याना खेल प्रांगण में खो खो, कबड्डी और दो वॉलीबॉल, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज विद्यालय खेल प्रांगण में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई, उसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कुछ छात्र प्रतियोगिताओं में विजेता रहे, कुछ छात्र आगे। हमारे बीच में शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय म्याना के प्राचार्य श्री अचिन जी यादव भी बना चुके हैं, वो भी हमारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। प्रिंसिपल साहब से आगे पूछ भी करेंगे। मैं हमारे राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्राचार्य महोदय को साथ में लेकर के पता गा रहे हो यहाँ पर टेंथ क्लास प्लेयर बहुत अच्छे खेल रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र गुना द्वारा विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां, सामाजिक कार्यक्रम, दौड़ और जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के द्वारा करता हूं। और श्री जिला समन्वयक एस एन जयंत जी ने जो मेरा नाम है खंड स्तरीय खेल कार्यक्रम किया था, इसका मैंने भलीभांति समापन किया और कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर संपादित किया। इसमें विद्यालय के प्राचार्य श्री एच एन जाटव साहब रहे, मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता एस एन जयंत जिला समन्वयक द्वारा की। विशेष अतिथि के रूप में माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री केशव प्रसाद जी भार्गव रहे, उन्होंने भी हमें अपना मार्गदर्शन दिया और खेल गतिविधियों में प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो छात्र वो युवाओं ने भाग लिया उनका उत्साह वर्धन किया और खेल भावना से अवगत कराया तथा आगामी कार्यक्रम कराने के लिए उन्होंने कहा कि खेलों से व्यक्तियों की भावनाओं और मनोबल बढ़ता है, ऐसे कार्यक्रम म्याना में होना चाहिए। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेश तिवारी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।